बिना शर्त नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को मुक्त किया। आज का यह संत सम्मेलन धर्म संसद संस्था के द्वारा आयोजित था। भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें। ओबीसी की संसद सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए। हफीज हूँ, तथाकथित धर्म संसद के बारे में तो आप जानते ही हैं, वही तथाकथित धर्म संसद जिसमें नफरतबाजी की सारी हदें पार कर दी गई थी। एक के बाद एक ऐसे धर्म संसद के नाम से आयोजन किए गए थे कार्यक्रमों के, जहां मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई थी, जिसकी वजह से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया बापू के अपमान के चलते, और यति नरसिंह आनंद और वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को भी गिरफ्तार किया गया जो मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगा रहे थे। लेकिन बहुत सारी गिरफ्तारियां रह गई, जिसकी वजह से अब एक और बार फिर से धर्म संसद का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और फिर से विवादित बयान दिए गए जो विवादों से भरे हुए थे, और मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहा गया, उनको खत्म करने की बात भी की गई, संविधान विरोधी बातें भी की गई कि संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी गई है। ये तमाम चीजें वहां कही गई, पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है जब ये वीडियो बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तथाकथित धर्म संसदों को नफरतबाजी से भरे आयोजन कहा गया, लेकिन इतनी थूतू होने के बाद एक बार फिर से हुआ। मैं आपको अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि जो नफरतबाजी की बातें की गई, अशरफ हुसैन पत्रकार हैं, इन्होंने डाले हैं, और मैं इन्हीं के वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगा। पहला वीडियो आप देखिए, जिसमें एक संत जो खड़े हैं तथाकथित संत, वो कह रहा है मुसलमानों के सारे इदारे बंद कर दिए जाएं, यहाँ पर अब इनके कोई इदारे नहीं चलेंगे, देवबंद और बरेली शरीफ दोनों बंद किए जाएं। आप खुद सुनिए ये क्या कह रहे हैं। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि यह संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक ये संस्था नहीं मिटेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। अभी एक बहुत अच्छी बात कह रही कहने के हमारे संतरी ओवैसी की बात, हमने भारतवर्ष के उत्तर, आपने खुद यहाँ पर देख लिया, अब ये सिर्फ ट्रेलर है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। मुसलमानों की हत्याओं को भी जायज ठहराया गया है, जो नफरतबाजी के मामलों में हुई, ये कहा गया है आगे इसी धर्म संसद के अंदर कि भैया जो हत्याएं हुई वो आत्मरक्षा में हुई थी, क्या गलत थी, ये सारी बातें यहाँ आगे की गई हैं। पर कार्रवाई कब होगी? क्या मुसलमानों के बारे में कोई भी नरसंहार की बात कर सकता है? क्या दलितों के बारे में कोई भी कुछ भी कह सकता है? क्या गैर भाजपाइयों के बारे में, गैर आरएसएसियों के बारे में कोई भी कुछ भी कह देगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी? हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ, अशरफ हुसैन ने थ्रेड पूरा डाला है, पत्रकार है। इस संत सम्मेलन के पोस्टर हेडिंग में साफ तौर पर इस्लामिक जिहाद एवं हिंदू राज जैसे शब्दों को पढ़ा जा सकता है। यह आप तस्वीर देख लीजिएगा, एक वीडियो के माध्यम से है, ये वीडियो साइड में चला देते हैं, 4-5 सेकंड का है, लेकिन इस पर देखिए साफ लिखा हुआ है इस्लामिक जिहाद के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए संत सम्मेलन। ये असल में इन्होंने धर्म संसद के नाम से नहीं किया था, ये संत सम्मेलन के नाम से किया था, पर इनके जो 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 उसमें हिस्सेदार थे, जो वक्ता आए थे, उन्होंने पोल खोल दिया आगे खुद ही कह दिया ये धर्म संसद है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि धर्म संसद के नाम लेकर ये जाते तो उनको परमिशन भी नहीं मिलती, और जम के फजीहत होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर, तो उसका नाम बदल के संत सम्मेलन रखा, लेकिन इनके मुंह से सच निकल गया और ये बता दिया गया कि ये वही धर्म संसद है जिसका आयोजन यति नरसिंह आनंद ये लोग तमाम करते आए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, इसके बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए अशरफ हुसैन ने डाला है तीसरा ट्वीट। इस वीडियो में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, नरसिंह आनंद एवं जितेंद्र नारायण त्यागी को रिहा करने की मांग की जा रही है। अब आप खुद देखिए, ये एक और संत हैं जिनको मुसलमानों से बहुत परेशानी है, आप इनकी भाषा भी सुन लीजिए, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, इंडिया के मुद्दा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए, और बिना शर्त नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को मुक्त किया है। ये प्रमुख मांगे हैं। हाँ, और किस तरह से तोकीनाजा और ओवैसी के भाषण पर भी आपने चिंता जताई है, क्या कहा है पूरी बात? ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए और आईपीसीपीसी के तहत
जो उनका बयान असंसदीय अलोकतांत्रिक है उनको जेल में डाला जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त उन पर होना चाहिए। तो आपने ये सुना कि साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं कि हिंदू राज घोषित किया जाए भारत को आज से, और इसके साथ साथ बिना शर्त के जितेंद्र त्यागी और यति नरसिंह आनंद को छोड़ा जाए और ओवैसी की संसद सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाए। अब ये बताएंगे कि एक इलेक्टेड व्यक्ति का जो है कैसे उसकी संसद सदस्यता उसके धर्म की वजह से रद्द कर दी जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये यहीं नहीं रुके हैं, इससे आगे ये बढ़ते चले गए। अब साफ तौर के ऊपर इनके एक व्यक्ति ने, वहाँ पर वक्ता ने, एक संत ने कबूल कर लिया कि ये धर्म संसद ही है, ये संत सम्मेलन के नाम से धर्म संसद ही किया जा रहा है। ये भी अशरफ हुसैन ने वीडियो डाला है, ये संत सम्मेलन भी धर्म संसद संसद द्वारा आयोजित था क्या? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आज का ये संत सम्मेलन धर्म संसद संस्था के द्वारा आयोजित था, और इसमें जो आज के मुद्दे रहे हैं, भारत एक सनातन हिंदू संस्कृति का देश है, भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। इन्होंने भी साफ कबूल कर दिया कि ये धर्म संसद संस्था के द्वारा ही आयोजित किया गया। मतलब ये वही है कि पहले जनसंघ नाम रखा पार्टी का, जनसंघ की दुकान बंद हो गई तो जनता पार्टी कर दिया पार्टी का नाम, जनता पार्टी की दुकान बंद हो गई तो भारतीय जनता पार्टी कर दिया, शायद कुछ जमाने के बाद आम आदमी पार्टी कर देंगे। ये मेरा ख्याल है, ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यही हाल इन्होंने किया कि धर्म संसद संस्था के नाम से जो धर्म संसद का आयोजन हो रहे थे, अब उनके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, सवाल का निशान खड़ा हो गया है, FIRs हो चुकी हैं, नफरतबाजी की सारी इंतहा बदनाम हो चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या खेल रचा, सीधे सीधे धर्म संसद की जगह संत सम्मेलन, लेकिन बोल उठे खुद ही कि धर्म संसद संस्था द्वारा ही आयोजित किया गया है। तो ये आपके सामने है, यहीं पर मामला रुकता नहीं है। अब एक वो बहुत ज़्यादा एक खुद को साध्वी कहने वाली महिला हैं, प्रज्ञा ठाकुर से शायद इंस्पायर्ड हैं, इन्होंने तो जो गोरखपुर के अंदर अभी दिलशाद मर्डर हुआ था, जिसमें दो लोगों ने शादी करी, एक लड़के लड़की ने अपनी मर्जी से, और लड़के ने धर्म परिवर्तन करके कहा कि मैं हिंदू समाज का हो गया हूँ, उसके बाद भी ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, लड़की के पिता ने उसे गोली मार दी कोर्ट के बाहर, उसको ये जायज ठहरा रही हैं कि वो दिलशाद मुस्लिम लड़के की हत्या सही थी, और इसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सुन लीजिए क्या कह रही हैं, नफरत भरे बोल। और उसके बाद मारने की धमकी दे रहा था, ऐसे में आत्मरक्षा करने के लिए यदि निशाद के हाथ से गोली चली तो क्या वो अपराध है? क्या वो अपराध है बताइए? हाथ खड़ा करके बोली है मेरा वो अपराध है नहीं, तो हाथ तो रखने की दे रहा, हाथ खड़े करके बोली है नहीं, तो फिर ऐसे में हमारा आत्मरक्षा को बल देना, आतंकवादियों को खत्म करना, अत्याचारियों का विनाश करना, जिहादियों का विनाश करना, कहां से अपराध तो होता है, फैसला होता है मीडिया भाई आप इंसान हो, आप देखिए साफ तौर पे जोशीले अंदाज के अंदर एक हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हत्या जिसकी हुई है वो मुसलमान है, और हत्या करने वाला जो है उसकी बेटी से उसकी शादी हुई थी, इसलिए ये कह रही हैं कि बिल्कुल सही किया गया है। पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्रवाई से ये सब बरी हैं। एक और चीज़, एक और व्यक्ति सुन लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है इस पूरे के पूरे सम्मेलन की, सम्मेलन उर्फ में कहूँगा तथा कहते धर्म संसद, उस पर अशरफ हुसैन लिखते हैं, संत सम्मेलन के बाद मीडिया के सामने देश को हिंदू राज घोषित करने की बात कही गई। इसमें सिर्फ बात नहीं की गई है, उन्होंने कहा है कि तीन मांगे हैं, आज से ही हिंदू राज घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री महोदय को, मोदी जी को यह आदेश और निर्देश दे रहे हैं। आप सुनिए इनकी भाषा जरा, देखिए आप क्या कहते हैं। धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से तीन प्रस्ताव पारित किए हैं, तीन प्रस्तावों में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए, धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सजा उसको दिया जाए, और तीसरा जो हमारे जेल में बंद दो धर्म योद्धा हैं उनको एक सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। तो आपने साफ तौर के ऊपर सुना, ये कह रहे हैं कि आज से हिंदू राज घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री को आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि उस भूल को सुधारा जाए।
मतलब सन 47 में जो भूल की गई और 1950 तक आते आते जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया संविधान की, ये भूल बता रहा है संविधान को कि जो भूल की गई इसमें सेकुलर लिखा गया वो सेकुलर नहीं हिंदू राष्ट्र किया जाए। और दूसरी इनकी मांग आपने खुद सुन ली कि साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं कि जो धर्मांतरण है उसको सजा पेनलाइज किया जाए, उस पर बैन लगाया जाए। एक तरफ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं कि ये बैन कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ जो वसीम रिजवी धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म का हो गया है यति नरसिंह आनंद जैसे नफरतबाजों के साथ, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको छोड़ा जाए, फौरन छोड़ा जाए उसको, यति नरसिंह आनंद को। ये किस तरह की बातें हैं, दो मुंह की समझ से बाहर हैं। दूसरी मांग है धर्मांतरण जो है वो रोका जाए, बंद कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। और तीसरी तरफ कहते हो जो धर्मांतरण करके हिंदू बनाए उसको छोड़ा जाए, आज़ाद घुमाया जाए। तो इनके दिमाग विमाग में क्या है समझ से परे, लेकिन इनको कौन संरक्षण दे रहा है अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन अपना दिमाग लगाइए और खुद समझिए। सारी नफरतों की इंतहाएं पार करने वाला धर्म संसद अब अलग अलग नामों से बनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है ये फैसला आपको करना है। हमारे समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने के लिए ये काम क्यों किया जा रहा है, नफरतें इतनी क्यों फैलाई जा रही हैं, ये सारे के सारे तय फैसले आप करेंगे, अपने आप तय कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।